ये कविता की नई पौध है जिसे हम आपके सामने पहले रख रहे हैं। इसी क्रम में मैं प्रियांक मिश्र का आह्वान कर रहा हूँ, वो आएँ और वो भी अपनी एक कविता यहाँ पर है। प्रियांक मिश्र, आज हम लोग यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये तो सभी जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी एक भारत के प्रधानमंत्री हुए, 3 बार हुए और बहुत बढ़िया कवि हुए। एक उन्होंने बहुत बढ़िया नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जो विज्ञान की उन्होंने उस समय महत्ता समझी, वो आज की तारीख में हम सबको दिखाई देती है। जैसे कि ये देखो, समीक्षा हमारी फ़ोटो ले रही है मोबाइल से, और मोबाइल की जो कीमत आज हमारे जीवन में है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो मेरी आज जो कविता है, और मेरी सबसे पहली कविता जो कह सकते हैं, वो मोबाइल के ऊपर ही है, जो मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूँ कि मोबाइल चिट्ठी का भाई सबको ही हरसाता है, चिट्ठी चलती धीरे धीरे ये चट दौड़ लगाता है। भाई जब से बड़ा हुआ चिट्ठी को है आराम हुआ, खबरें इधर उधर करने का मोबाइल का काम हुआ। चाहे जितनी दूर स्वजन हो पल में खबरें लाता है, मोबाइल चिट्ठी का भाई सबको ही हरसाता है। पापा जी हो विद्यालय में, मित्र किसी भी हाल में, भैया भाभी हो विदेश में, जिज्जी जी ससुराल में, बिना गवाए समय सभी से हर हाल में बात कराता है। मोबाइल चिट्ठी का भाई सबको ही हरसाता है, चिट्ठी चलती धीरे धीरे ये चट दौड़ लगाता है। धन्यवाद। गोष्ठियाँ कविता की प्रयोगशाला हैं। अगर इन गोष्ठियों में नए लोग नहीं आएंगे तो इन गोष्ठियों का कोई औचित्य नहीं है। ये जो है पौधशाला है, और यहाँ आपको हर गोष्ठी में एक दो नए पौधे रोपने चाहिए। ये कविता के होता क्या है कि हम गोष्ठियों में अपनी कविताएं सुनाने में हमारा मन ज़्यादा होता है, और हम अपनी नई पौध लगाने में हमारी उंगलियाँ काम नहीं करती। ये काम हम सबको करना है, ये नई पौध जो लगा रहे हैं। अरे ठीक है, हमने 100 वृक्ष लगाए, 100 पौध लगाई, 4 पेड़ बनेंगे। अगर 4 पेड़ बन गए तो भी हमारा पूरे जीवन की यात्रा सार्थक हो जाएगी। ये बहुत जरूरी है, इसीलिए कविता की प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। हमारे बीच में कई कविता के ऐसे हस्ताक्षर हैं जिन्हें आज हम लोग सुनेंगे। भाई राजीव राज पधार चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच में महाराम सिंह जी हैं, प्रेमचंद शाक्य जी हैं, देवेश जी हैं, हरिशंकर जी हैं, एक रोहित हैं, एक पूरी कविता की एक श्रृंखला रही, 2 कवित्रियां भी हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इस विद्यालय की शिक्षिका और कविता के साथ जिनका भावनात्मक संबंध है, उमा दीक्षित जी से मैं चाहूँगा वो आएँ। वो भी क्योंकि हम सबके पास समय का भाव है, दीन जी को हमने रोका है, तो हम चाहते हैं कि दीन जी दिन के सूर्य डूबने से पहले अपने घर पहुँच जाएँ। इस भाव को रखकर हम लोग जो है कविता पाठ करेंगे, सब लोग समय का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आदरणीय उमा जी। हे बीणा पाणी भर दे मुझको बाड़ी में, तू ओजस भर दे बाड़ी में, तू ओजस भर दे। मैं देश प्रेम के गीत लिखूं, मैं देश प्रेम के गीत लिखूं, मैं देश प्रेम के गीत लिखूं, लेखनी को निरंतर शक्ति दे, लेखनी को निरंतर शक्ति दे। मेरा हर शब्द हो कविता मैं गुनगुनाऊं, वो गीत हो जाए। मेरा हर शब्द हो कविता मैं गुनगुनाऊं, वो गीत हो जाए। ऐसी करना कृपा शारदे, ऐसी करना कृपा शारदे, मेरा जीवन सनात हो जाए, मेरा जीवन सनात हो जाए। माँ सरस्वती की प्रार्थना करने के साथ साथ मैं अपने देश के लिए भी
प्रार्थना करना चाहती हूँ। इच्छा है मेरी कि मैं वतन के काम आऊं, इच्छा है मेरी कि मैं वतन के काम आऊं, मैं हिंद की बेटी कुर्बान वतन हो जाऊं, मैं हिंद की बेटी कुर्बान वतन हो जाऊं, मैं हिंद की बेटी कुर्बान वतन हो जाऊं। अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता बहुत प्रसिद्ध थी, भरी दोपहरी में अंधेरा सूरज परछाई से हारा। और ये उन्होंने क्यों लिखी, क्योंकि वर्तमान उस समय जो वर्तमान चल रहा था जब अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम नेता थे, तो वो देश की परिस्थितियों को देखकर उनसे रहा नहीं गया था। तब इन्होंने कविता में सारा देश का वर्णन किया है कि आज सरकार क्या कर रही है और मेरे अंदर इस सरकार के प्रति क्या भाव हैं। इसी को लेकर एक कविता मेरी उन्हीं की कविता पर, मैंने उन्हीं की कविता को श्रेय लेकर लिखी है। इस कविता का शीर्षक, उनकी कविता है मौत से ठन गई, और मैंने एक कविता लिखी है मौन से ठन गई, मौन से ठन गई। मैं आज उस कविता को आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। मौन से ठन गई अब मेरी मौन से ठन गई है, मौन से ठन गई अब मेरी मौन से ठन गई है, अब कोई राय सुमारी हम नहीं करेंगे, अब कोई राय सुमारी हम नहीं करेंगे, हमें छोड़कर यहाँ पर सब अकलमंद हो गए हैं, अब कोई राय सुमारी नहीं करेंगे, हमें छोड़कर अब यहाँ सब अकलमंद हो गए हैं, सबके अलग अलग विचार हैं, सबकी अलग अलग मंजिल है, सबके अलग अलग विचार हैं, सबकी अलग अलग मंजिल है, हमें छोड़कर यहाँ सबकी एक राय बन गई है, हमें छोड़कर यहाँ सबकी एक राय बन गई है, मौन से मेरी ठन गई है अब मौन से मेरी ठन गई है, मौन से मेरी ठन गई है अब मौन से मेरी ठन गई है। अगला बंद में रखती हूँ। सत्य के रास्ते पर चलना परेशानी, सत्य के पर रास्ते पर चलना परेशानी, सत्य की बात कहना उससे भी ज़्यादा बड़ी परेशानी, सत्य की बात, सत्य के रास्ते पर चलना परेशानी, सत्य की बात कहना उससे भी बड़ी परेशानी है, यहाँ हर कोई चुप रहने को मजबूर करता है, यहाँ हर कोई चुप रहने को मजबूर करता है, कहता है जो मैं कहूँ वही सही है, मौन से मेरी ठन गई अब मौन से मेरी ठन गई है, मौन से मेरी ठन गई, मौन से मेरी ठन गई है। अगला बंद सुनिए। कल तक जो सबको बताते फिरते थे ये भ्रष्ट हैं ये निकृष्ट हैं, कल तक जो सबको बताते फिरते थे कि ये भ्रष्ट हैं ये निकृष्ट हैं, आज वो सब उन्हीं के साथ संलिप्त हैं, आज वो सब उन्हीं के साथ संलिप्त हैं, कल तक जो बताते फिरते थे कि ये भ्रष्ट हैं ये निकृष्ट हैं, आज वो सब उन्हीं के साथ संलिप्त हैं, आज वो सब उन्हीं के साथ संलिप्त हैं, लगता है अब इनकी बात उन्हीं से बन गई है, लगता है कि अब इनकी बात उन्हीं से बन गई है, मौन से ठन गई है अब मेरी मौन से ठन गई है, मौन से ठन गई है अब मेरी मौन से ठन गई है। अगला लास्ट बंद। एक बात तो जरूर है जिसे हम बाद में समझ पाएंगे, एक बात तो जरूर है जिसे हम बाद में समझ पाएंगे, जब तक आस्तीन के सांप हमें डस लेंगे, जब तक आस्तीन के सांप हमें डस लेंगे और जयचंद हमें मिटा जाएंगे, आस्तीन के सांप हमें
डस लेंगे और जयचंद हमें मिटा जाएंगे, जयचंद हमें मिटा जाएंगे, फिर तो उन्हीं के मन की मुराद पूरी हो गई है, फिर तो उन्हीं के मन की मुराद पूरी हो गई है। मौन से मेरी ठन गई है, मौन से मेरी ठन। धन्यवाद उमा जी। हमारे बीच में एक और वरिष्ठ कवित्री आदरणीय पुष्पा चौहान जी भी मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि उनका काव्य पाठ भी हम सबको रास्ता दिखाएगा। वे सेवानिवृत्त हिंदी प्रवक्ता हैं और आज गोष्ठी में यहाँ पधारी हैं। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ। इस मध्य भाई रौनक इटावी जी भी हमारे बीच में तशरीफ़ ले आए हैं। मैं तहे दिल से उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। आए आ रहे हैं पुष्पा चौहान जी। और मेरा ये पहला अवसर है जो मैं कहीं पर कुछ बोल रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं बोला। हाँ वो तो खैर कक्षाओं में तो पढ़ाया लेकिन मंच पे नहीं बोला। हे युग मानव, हे महामानव, मैं नमन तुम्हें सतबार करूं। हे युग मानव, हे महामानव, मैं नमन तुम्हें सतबार करूं। यद्यपि अटल सत्य है मृत्यु, मगर इसको चकमा दे गए अटल। यद्यपि अटल सत्य है मृत्यु, मगर इसको चकमा दे गए अटल। बोले और ठहर अभी एक दिवस, चलता हूँ मैं तेरे संग अवश्य। इसकी गरिमा को ठेस लगे है मुझे कभी मंजूर नहीं। जिया राष्ट्रहित मैं जीवन भर, कैसे अनर्थ हो जाने दूँ। हे युग मानव, हे महामानव, मैं नमन तुम्हें सतबार करूँ। चुनौतियों का सामना करना ही जीवन को प्रगाढ़ बनाता है। जो डरे या हार माने इनसे, उसका जीवन क्या जीवन है। हो प्रदेश हित या राष्ट्र हित, सबसे ऊपर होती है मानवता। हे मानवता के मूर्तिमान सुत, जन कल्याण हेतु न की कायरता। अटल तो सदा रहे अटल, अपने अदम्य साहस पर मैं सत सत बार प्रमाण करूं उनको। नतमस्तक हो निजदिन प्रतिपल, कितने ही संघर्ष जीवन में, जिसने हरदम झेले जग में। सबके लिए जे सहर्ष, मान रखा सबका रखी जीवन मर्यादा। एक सूत्र में बांधा जन जन को, रखा मान सदा देश हित का। हृदय में जिनके धैर्य और आनंद पर मृदुल मुस्कान सदा। कितने ही थपेड़े जीवन में रही और हृदय में जटिल बिथा। हे युग मानव, हे महामानव, मैं सत सत बार प्रणाम करूं। तेरी महान, हे महानुभाव, तेरी महिमा का मैं बखान करूं तो करूं कैसे। अनगिनत हैं आख्यान यहाँ, जिन्हें मैं शब्दों में बुनूं तो बुनूं कैसे। जीने का सार दिया तुमने, जीवन उद्धार किया तुमने। जिए तो सदा ऐसे ही जिए, जैसे ये संसार तुम्हारा है। कर्मस्थली है ये जगत, निज कर्मों को पूर्ण करो, यही मानवता का नारा है। हे युग मानव, हे महामानव, मैं सत सत बार प्रणाम करूं। मरना तो एक दिन है ही सबको, मरो तो मरो त्याग सब कुछ। ये अटल सत्य है जीवन का, जो कभी जुटलाया जा न सका। जो महिमा मंडित कर गए धरा, वसुधा ने खोया ये अनुपम हीरा। मैं निःशब्द हूँ इसके आगे, जो रिक्त हुआ उसे कैसे भरूं। हे युग मानव, हे महामानव, मैं नमन तुम्हें बारंबार। अटल जी को आदरणीय पुष्पा जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इन्होंने कहा मंच पर कम आए, लेकिन हर अध्यापक के जीवन में रोज नया मंच सस्ता है, रोज नए तरीके से बात कहता है। हम लोगों को 45 मिनट लगातार बोलने की आदत है, तो कभी कभी ये आदत जो है सामने वाले को बड़ा खलती है। हमसे कहा 5 मिनट, हम 45 मिनट से नीचे नहीं आए। हर आदमी का समय का एक वो रहता है, या अध्यापकों का एक दोष है, ये हम सबके मन में रहता है। लेकिन हम जानते हैं पूज्य लाल बाबा को जाना है, लेकिन हमारी इच्छा है कि यहाँ की प्रतिनिधि काव्य हस्ताक्षरों को सबको वो सुन लें। लाल बाबा जी को हम आश्वासन देना चाहते हैं, कोई कवि अब बहुत ज़्यादा समय लेने वाला नहीं है। हम 4 बजे आपको पहुंचा देंगे। जो है हमारा जो टाइम लिमिट है वो 2 से 4 की है। वो हमने पहले भी कहा था, अभी भी, कि 4 बजे तक हम जो है ये जितने लोग हमारे बीच शेष हैं वे वास्तव में विशेष हैं, और वे आपकी समय की नब्ज पर हाथ रखना जानते हैं,
और हम सबका जो उद्देश्य है 2 से 4 2 घंटे की गोष्ठी का, तो 4 बजे हम आपको मुक्त कर देंगे। हमें लगता है बाबा जी का आशीर्वाद हमें मिल गया, आप सब तालियों से उनका आशीर्वाद का स्वागत करें। और इसी क्रम में हमारे एक बहुत दूर संचार विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी, जिनका कविता के बड़ा अच्छा संबंध है, कविता के साथ अच्छी कविताएं लिखते हैं, आदरणीय महाराम सिंह जी यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ वो भी अपनी एक प्रतिनिधिवस्था यहाँ पढ़ें। महाराम जी महा बेबी हमारे बीच में आज अनायास हमारे हाथ लगे हैं, तो हम सोच रहे हैं जो लोग अनायास हाथ लगे हैं उनका हम जरूर सदुपयोग कर लें। आदरणीय महाराम जी, याद आती है उनकी सादगी। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में हुआ जिसने कभी अपना वेश नहीं बदला। आज के तत्वाधान में मैं एक किसी कवि का मुक्तक कहना चाहता हूँ, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि हर बहने वाला तट शमशान नहीं होता, हर बहने वाला तट शमशान नहीं होता, हर उजला वस्त्र कफन नहीं होता। अरे दूसरों को देख के नकल न करो मेरे दोस्त, हर दाढ़ी वाला टैगोर नहीं होता। दूसरों को देख के नकल न करो दोस्त, हर दाढ़ी वाला टैगोर नहीं होता है। आज कविता की और कवियों की, श्रोताओं की जो स्थिति पैदा हो गई है बड़ी शोचनीय है। मैं देखता हूँ हमारे कुल के ही लोग, हमारे वंशज में तो कहूँ कब कुल हमारा है, हमारे कब कुल के ही लोग हैं जो अलग अलग मंचों पर अलग अलग चेहरों से अलग अलग तरह की बात करते हैं। वो अपनी दिल की बात नहीं कहते हैं, वो किसी और के दिल की बात कहने वहाँ जाते हैं और सुनने वाले भी उनको दिल से कम दिमाग से ज़्यादा सुनते हैं। एक वाक्य याद आता है महान कवि नागार्जुन जी का। नेहरू जी का जन्मदिन था, इंदिरा जी ने उनसे कहा कि पापा का जन्मदिन है, आपको कविता कहनी है। तो उन्होंने बड़ा ही सादगी से बोले, किंतु मेरी कविता तुम्हारे पापा सुन नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। उन्हें कही नहीं दादा चलिए आप, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि वतन बेचने वाले नेहरू फूले नहीं समाते हैं, गांधी की समाद पर झुकझुक फूल चढ़ाते हैं। ये साहस देखिए उस कवि का जो आज नहीं दिखाई देता हम लोगों में, और सामर्थ्य देखिए उन सुनने वाले की जो उसको बिल्कुल आसानी सुन जाते हैं। न उनके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ता है, नहीं दी जाती है। आज है हिम्मत किसी की? आज किसी की हिम्मत है? मैं समझता हूँ नहीं है। यही समस्या कविता के सामने, यही कवियों के सामने समस्या हो गई है। चुप छोड़िए, जो भी है हम लोगों का दायित्व है ईमानदारी के साथ अपनी बात कहें। आज देश के सामने बड़ी विषम परिस्थिति है, हम सभी लोग देख रहे हैं। क्या कहा जाए ऐसी स्थिति में, कहीं कोई सहारा नहीं दिख रहा है। एक उम्मीद हम इन्हीं लोगों से थी, वो भी बेईमानी अपने साथ करने लगे हैं। देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है, लेकिन हमारी एकता की जड़ें इतनी गहरी हैं, कुछ बातें इतनी रही हैं जिसके कारण आज वो स्थिति नहीं है। वो कहा है कि कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोरे जमा हमारा। यही कारण है। मैं एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, समय का तो अभाव है ही जो है वो, कि कोई कितना यत्न करे पर जल की धार नहीं कटती है, माटी का तो धर्म एक है माटी कभी नहीं बटती है। कोई कितना यत्न करे पर जल की धार नहीं कटती है, माटी का तो धर्म एक है माटी कभी नहीं बटती है। बहुरंगी है भारत माता रंग बिरंगी प्रधानों से,
बहुरंगी है भारत माता, रंग बिरंगे प्रधानों से रंगरेस हिमालय रंग डाला है धवल रंग की प्रधानों से। है चेहरा पूंजी इसी देश में, तपन थार की भी रहती है और दक्षिण में सागर की लहरें चढ़ चूमती रहती हैं। है सुंदरबन का यहीं डेल्टा लता बिखेरे रहता है और सुरवित घाटी काश्मीर से मधुरस बहता रहता है। सुरवित घाटी काश्मीर से मधुरस बहता रहता है, फिर भी अंबर से दिनकर की धूप कभी नहीं बढ़ती है। माटी का तो धर्म एक है, माटी कभी नहीं बढ़ती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी यहां पर बसते हैं। राम कृष्ण और पीर मोहम्मद सभी यहां पर पूछते हैं। गुरु की वाणी गुरुद्वारों से अबरल बहती रहती है, गुरु की वाणी गुरुद्वारों से अबरल बहती रहती है। मंदिर में बजते हैं घंटे, शंख गूंजते रहते हैं। मस्जिद से उठती हैं अजाने, नमाज पढ़ते रहते हैं। पर महाशक्ति उस परम पिता की रहमत कभी नहीं बढ़ती है। माटी का तो धर्म एक है, माटी कभी नहीं बढ़ती है। माटी का तो धर्म एक है, माटी कभी नहीं बढ़ती है। कि जन्म दिया है जन्मे वीर शिवाजी यहाँ पर, राणा की भी ये जननी है। जन्मे वीर शिवाजी यहाँ पर, राणा की भी ये जननी है। बुद्ध और महावीर हुए हैं रामकृष्ण की यही जमी है। और तपोभूमि है ऋषि मुनियों की, असुरों ने विध्वंस किए हैं। जन्म भरत ने यहाँ पाया हरिश्चंद्र भी यही हुए हैं। तुलसी मीरा सूर कबीरा और विवेकानंद हुए हैं। और बेड़ी काटी मातृभूमि की गांधी जैसे संत हुए हैं। बेड़ी काटी मातृभूमि की गांधी जैसे संत हुए हैं। पर ममता माँ की ममता है, कभी नहीं बढ़ती है। माटी का तो धर्म एक है, माटी कभी नहीं बढ़ती है। माटी कभी नहीं बढ़ती है। धन्यवाद महाराम सिंह जी। आज के दौर में कविता की बिरादरी का लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति अगर कुछ सच बोलने का साहस कर दे तो भी परम है। पंडित जी की बात कही थी, मुझे याद है कि पंडित नेहरू की एक पुस्तक है द पंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, उन्होंने सुभाष बाबू के एक पत्र को उसमें रखा है जिसमें सुभाष बाबू लिखते हैं कि पंडित नेहरू यू आर द ब्लैक स्पॉट ऑफ सोशलिज्म। उन्होंने लिखा कि तुम समाजवाद के नाम पर काले धब्बा लगते हो हमें। और पंडित जी लिखते हैं कि सुभाष बाबू का ये अधिकार था हमारे ऊपर कि वो ये भी लिख सकते थे हमें। जो है यह बड़प्पन, यह उदारता निश्चित रूप से आज जब देश का अन्नदाता पिछले 30 दिन से इस भीषण जावे में न केवल सड़क पर है बल्कि 2 दर्जन से अधिक 48 किसान इस ठंड में ठिठुर कर मर गए। इस संवेदनशील वातावरण में हमने किसान दिवस मनाया है।